बालों में लगे जिद्दी रंगों को आसानी से निकाले, आप करें घर पर इन हेयर पैक का इस्तेमाल। होली के त्योहार में रंगों के कारण हमारी त्वचा और बाल सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वहीं इन रंगों में पाए जाने वाले केमिकल तत्व हमारे बालों को रूखा और बेजान बन देते हैं। इसके अलावा बालों से यह रंग भी आसानी से नहीं उतरता है, इसलिए आप भी होली के बाद अपने रूखे और खराब बालों से परेशान हैं तो हम आज के इस लेख में कुछ खास उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने बालों को फिर से पोषण देकर खूबसूरत बना सकती है। यदि आपके बाल काफी कमजोर है और रंगों के कारण यह समस्या और बढ़ गई है तो आप इस समस्या को कम करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए आप एलोवेरा जेल में एप्पल साइडर विनेगर और शहद की कुछ बूंदें मिलाकर अपने बालों में लगाए कुछ देर रखने के बाद आप गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लें। इससे आपके बाल मजबूत और आकर्षक दिखाई देंगे। वहीं यदि आपके बाल घुंघराले हैं और रंगों के कारण रूखे और बेजान हो गए हैं तो आप इनको आकर्षक बनाने के लिए नारियल तेल को गुनगुना करके बालों में मसाज करते हुए लगाएं। इससे आपके घुंघराले बालों को पोषण मिलेगा और उनमें चमक आएंगी। यदि रंगों के कारण आपको बालों में फ्रिजी की समस्या उत्पन्न हो गई है तो इसके लिए आप शहद और केले को मिक्स कर हेयर पैक बनाकर अपने बालों पर लगाएं। इस हेयर पैक आप घर पर बेहद आसानी से बन सकती है। आप सबसे पहले एक केले को मैश करें और फिर इसमें शहद की पर्याप्त मात्रा डालकर अच्छी प्रकार से मिक्स कर बालों पर लगाए कुछ देर रखने के बाद आप इसे गुनगुने पानी से धो लें। इससे जल्द ही आपके बालों की फ्रिजी की समस्या दूर होगी।